खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है। मैं कुछ बातें पूछूंगा। मैं आप कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली आई एम फ्रॉम दांडेली, कर्नाटका इटसेल्फ। कर्नाटका, आई लव कर्नाटका। देखती है मैं तुझ में खुदा का करम, देखता हूँ खुशी जब। सो टी कुड का पत्ता है, अगर ग्रीन को हम इसे इस तरह करेंगे तो ग्रीन ही आता है। ये पत्ते का एक खासियत है इसका, देखो सर ने ब्लू बोले, ये सर ने ग्रीन बताए। आई मैं इसको करके बताती हूँ। Hey everyone, you're checking for Mr. Gafar Khan once again. Welcome back to your YouTube channel. नए दिन से, एक नई सुबह से नहीं, एक शाम से आपका गफार व्लॉग्स में स्वागत है। So, अभी हमारा टाइम आ गया हमारे भाई जान्स को थैंक्स कहने का और बाय बाय बोलने का। अक्षय भाई, सानू भाई, आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नाइट एडवेंचर किया हमने। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियो जो लिखा हुआ है उसको जरूर जाके देखिएगा आप वहाँ पे, ठीक है। सो इनका फार्म हाउस है यहाँ पे, इनके पास रुके हुए थे। दिल से कहना चाहेंगे थैंक्स, मुँह से नहीं बोलते हैं, बार बार नहीं बोला जाता है, अच्छा नहीं लगता है। सो दैट आई नो दैट हाउ इन्होंने हमें कैसे रिसीव किया, कैसे किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया एक बार। आंटीज को भी थैंक्स कहना चाहूँगा मैं, प्लीज़ थैंक यू सो मच सबको एक बार। इन्होंने खाना बनाया हमारे लिए, और मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ, ये हमारे सरपंच साहब हैं। यू वोंट बिलीव, सीरियसली, आप हो ना सरपंच गांव के? हाँ। ये आंटी हमारे गांव के सरपंच हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको ये दुबले पतले दिखते हैं ना, पूरे फिट हैं। ये इनसे छोटे हैं और ये बड़े हैं, लेकिन ये पूरे एकदम फिट हैं, पूरे पावरफुल हैं। सो थैंक्स एक बार सबको। अच्छा जनाब, आज का प्लान तो मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ कि हम पहुँच गए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट टिम्बर डिपोर्ट। सो यहाँ पे ना बहुत सारे ट्रीज़ हैं एक्चुअली, सो उन ट्रीज़ की वजह से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, स्पेशली हॉर्नबिल यहाँ पे बहुत होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री है जो आपको 20 रुपीज़ का टिकट मिलेगा, अगर आपके पास कैमरा है तो 50 रुपीज़ उसके लगते हैं। हेलो मैम। नमस्ते। हाँ, आपका गुड नेम? माय नेम इज रजनी राव। रजनी राव, आप यहाँ पे इसमें क्या काम करते हो? मैं यहाँ पे जो भी बर्ड वॉचर्स एंड फोटोग्राफर्स आते हैं ना, उन लोगों को मैं बर्ड गाइड। सो फिलहाल तो हमारी एंट्री हो गई है हमारे पास ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने के लिए, एक ब्यूटीफुल मैम के साथ हम ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने जा रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तो मैं रजनी मैम के साथ निकल पड़ा हूँ। अभी थोड़ी सी हमारी इंट्रोडक्शन हुई थी, पर अच्छे से मैंने इनको पूछा नहीं, कुछ बातें पूछूंगा मैं। आप कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली आई एम फ्रॉम दांडेली, कर्नाटका इटसेल्फ। कर्नाटका, आई लव कर्नाटका, आई लव दांडेली। दांडेली ओके, उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, वेरी नाइस, आफ्टर मीटिंग यू बहुत अच्छा लगा। चलिए हम चलते चलते बात करते हैं। एक खास बात है, यहाँ पे जो ट्री दिखाई दे रहा है, ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्ट्रिक्नस नॉक्सोमिका बोलते हैं, इट्स ए पॉइजनस फ्रूट ट्री। ओके, इतना पॉइजनस होते कि हैवी पॉइजनस। अगर इस फ्रूट को ना, ये ग्रीन लार्ज बेरी जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, तो ये फ्रूट है ना, अगर 2-3 फ्रूट खाएंगे तो स्पॉट डेथ होता है। ओह माय गॉड। बट एक बात है, ये जो ट्री एवरी ईयर अगस्त मंथ से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे सिर्फ हॉर्नबिल और लंगूर उतना ही रहता है। ओके, अगर कोई इंसान इसका जो 2 फ्रूट या 3 खाएंगे, स्पॉट डेथ। ये मैंने ऐसे, मुझे पता चला कि यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए होम्योपैथी डॉक्टर्स आते थे। मैं सोची कि चलो 2-3 फ्रूट खाएंगे तो क्या होगा, कौन मरता है। मैं सर, 7-8 फ्रूट अगर खाएंगे तो इंसान मरता है। वो हंसते बताए कि मैडम 7-8 नहीं, सिर्फ 2 खाएंगे तो स्पॉट डेथ, क्योंकि इतना पॉइजन होता है। इसको मेडिसिन में यूज करते हैं होम्योपैथी। लोकली यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो कोकोनट ट्री होता है ना, उस ट्री के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, इनका जो सीड्स एंड जो उनका शेल छोड़ के, वो हॉर्नबिल खाने के बाद जो उसके अंदर का मलाई खाते हैं, शेल छोड़ देते हैं, तो शेल्स को लेके सॉल्ट में मिक्स कर उसको वो कोकोनट ट्री पर डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे से इंसेक्ट रिमूव होता है। और कुछ लोग इस पत्तों को खाते, और अगर इनके हम कहाँ तो गिर गए, स्नेक बाइट किया, तो इन पत्तों को और वो जो सीड्स होता है ना, उनको यहाँ पे वो जो घायल होता है उस जगह पर बांधते हैं,
तो ठीक हो जाता है, धीरे धीरे से वो रिकवर होने शुरू होता है, मींस लीव से रिकवर हो जाता है अगर स्नेक बाइट होता है, और अगर इसका फ्रूट्स दो तीन लेते हैं तो अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होगा तो गिर गए, यहाँ पे कुछ घायल हो गया, कुछ क्रैक हो गया तो वहाँ पे उसको बांधते, और ऐसा ये जो सीड्स होता है इसको मेडिसिन में यूज करते हैं। ओके, बहुत अच्छा ट्री है, बट जंगल के नाम एक बार फिर से बता देंगे। कनाडा में इसका कासर का बोलते हैं एंड स्ट्रिक्टनेस नोक्सोमिका पॉइजनस फ्रूट, स्ट्रिक्टनेस नोक्सोमिका। अच्छा, जो दिखाई दे रहा है वहां पे ये नाम है जनाब, ये खाने से ना, इसका फ्रूट खाने से बंदे की डेथ हो जाती है, दो तीन फ्रूट खाने से। सो मैं तो ले जाऊंगा, मैं तो दो तीन ले जाऊंगा। मत खाओ। नहीं, मैं आप खुद नहीं खाऊंगा, जो मुझसे नफरत करते हैं उनको खिला दूंगा। आज का खाना मैं आपके क्या सजेशन है, मैं ले जाऊंगा या नहीं? सिर्फ हॉर्नबिल लंगूर के लिए सिर्फ अच्छा है, क्योंकि हॉर्नबिल इतना पसंद करते हैं कि अगर इसको फ्रूटिंग हुआ ना, 100 से भी ज्यादा नंबर से बर्ड्स बैठ के रहते हैं सिर्फ हॉर्नबिल देखने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं अलग अलग स्टेट, बट हॉर्नबिल का यही एक मेन ये है। ओके, मैं तो एक्चुअल में नहीं खाऊंगा, मैं तो कर्नाटका में रह के तो नहीं खाऊंगा, बाहर जाऊंगा तो चलो पता चल सकता है, बिकॉज आई लव कर्नाटका एंड कर्नाटका पीपल एज वेल। थैंक यू। यहाँ पे मैम ना मुझे कुछ मैजिक दिखाने जा रहे हैं मैम, अभी मुझे यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट इज द मैजिक, शी इज गोना आस्क मी अ क्वेश्चन मे बी। क्या है? अभी मैं आपको एक लीफ बताती हूँ, पत्ता। ओके, इन पत्ते है ना, ये पत्ते को, एक पत्ते को लेती हूँ मैं, इसको ऐसे निकालती हूँ। ओके, ये देखो ग्रीन कलर है। हाँ, आप बताओ कि अभी इसको मैं ऐसे करके ऐसा ऐसा नूचती हूँ, हाँ, तो ये कौन सा कलर आता है आप बताओ सर? मे बी इट विल बी ब्लू। ठीक है, आप सर? शायद समवेयर लाइक डार्क ग्रीन एंड मिक्स्ड ऑफ ब्लू। करेक्ट, अगर ग्रीन पत्तों को हम ऐसे करते हैं, ये देखो ये आता है, इसका जो जूस आता है ग्रीन ही आता है ना, ज्यादा ग्रीन होता है। हाँ, ज्यादा ये टीकुड का लीफ है, टीकुड सागवानी बोलते हैं, सो टेक्टोना ग्रैंडिस साइंटिफिक नेम, सो टीकुड का पत्ता है, अगर ग्रीन को हम इसे इस तरह करेंगे तो ग्रीन ही आता है। ये पत्ते का एक खासियत है इसका, देखो सर ने ब्लू बोले, ये सर ने ग्रीन बताए, अभी मैं इसको करके बताती हूँ। किसी को तो अगर डराना है तो ये पत्ते लेके जाना है। मैं बच्चों को वही पूछती थी, आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया, सच्ची बता ना। नहीं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट होते ना, इस पत्ते के लिए कैसे करके लिपस्टिक जैसे लगाए थे, तब पता चला मुझे। तो ये देखिए कितना ब्लड टाइप इसका जूस आ रहा है। आप बता दे, मैं वीडियो में डालूंगा, आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया? मैं कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, घर वालों के साथ जिद करके या कुछ ऐसे करके? नहीं, मैं ऐसा एक बार ऐसे ही सबको गेस्ट को बता के वो ड्राई होने के बाद ऐसे ही चली गई थी, मैं इसको वॉश भी नहीं की थी। घर जाने के बाद मेरे मम्मी ने क्या हुआ क्या हुआ बोल के एकदम मुझसे पूछने के बाद पता चला, इतना रेट तो वो डर जाते हैं, किसी को तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बात है, ये देखो पत्ता को ना, इस पत्ते को हम ऐसे करके इसको ऐसे करने से रेड होता है। मैं सोचती थी कि हमारे पुराने जमाने के जो राज महाराज लोग रहते थे वो इंक बनाते थे, रेड इंक ब्लू इंक, तो ऐसे पत्तों से बनाते थे, तो हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि इसका इतना एक क्या बोलते स्पेशल स्पेशलिटी इसके अंदर है, खासियत है। ऐसे ये देखने से कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये पत्ता भी देखो, ये भी मेथी जैसा दिखता है, एक कैसिया तोरा है, खाने से हमारा जो अंदर होता है डर्ट एंड छोटे छोटे जो भी ये हेयर्स रहते हैं ना, जो हम अंदर हमारे जो खाने के टाइम पे जाके रहता है वो भी रिमूव होता है। साल में यहाँ के लोग दो बार खाते हैं इसको, ऐसे बच्चों को देने से नहीं खाते, फेस्टिवल रहता है ना उस टाइम पे इसके सब्जी बना के देते हैं। तो ऐसा है कि रेड कैसा हो गया मेरा। नाइस नाइस नाइस, मैम को तो अच्छे से पता, मुझे लग रहा है बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा ने। तो हमेशा अक्सर ये होता है कि मैं तो सोच रहा था चलो ग्रीन, डार्क ग्रीन तो होता ही है, मुझे लग रहा है ब्लू होगा, क्योंकि ब्लू भी होता है कुछ ना कुछ, मैंने देखा ब्लू भी होता है, ब्लूबेरी तो। लेकिन इन्होंने जब इसको ये किया तो उसने ये रेड निकाल के यहाँ से हमें खून बताया। तो जो जो बंदे ट्राई करना चाहते हैं ना, ये बंदा तो रेडी है, ये तो पूरा बैग भरने जा रहा है के डराने के लिए, अपने खास बंदे को ना, मैंने हाथ काट दिया, मैंने ये कर दिया वो करने के लिए, ये जनाब रेडी है, बैग पूरा उठा के लाया हुआ है, ये भर के लेके जाएंगे।